सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं आपको बीआर रैंक का एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं यहां पर रिकमेंडेड वाले सेक्शन पर चले जाता हूं और यहां पर इस वाले सेक्शन पर हम आ जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बैटल रॉयल बैलेंस्ड और इजी टू यूज, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। और इसके नीचे आप देख सकते हो परफेक्ट कॉम्बो फॉर बीआर मोड, मतलब कि बीआर रैंक के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन का यूज मैं भी आपको मैच के अंदर कर दिखाऊंगा और इस कॉम्बिनेशन से आपको क्या क्या फायदा देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार कैरेक्टर का यूज किया गया है। पेट स्किल में यहाँ पर फाल्को का यूज किया गया है, जो कि हम जल्दी नीचे उतरेंगे। और लोड आउट में यहाँ पर इसकी मदद से हम एयर ड्रॉप को ऊपर से नीचे बुला सकते हैं, जिससे हमारी लूट भी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी चीजें यूज की गई है। और कैरेक्टर में मोको कैरेक्टर है, उसके बाद हयाटो कैरेक्टर, उसके बाद यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिल जाता है ये साइज से होमर कैरेक्टर है। हाँ, ये होमर ही कैरेक्टर है। और यहाँ पर ये लास्ट में है कपेला कैरेक्टर। और इस कॉम्बिनेशन का यूज आप मैच में किस तरीके से कर सकते हो, मैं यहाँ पर मैच के अंदर जाने वाला हूँ बीआर मैच के अंदर, और ये सभी कैरेक्टर्स आपको मैच के अंदर किस तरीके से काम आते हैं ये सभी चीजें जानने वाले हैं। और आपको इस कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहिए कि नहीं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को हम पूरा इक्विप कर लेते हैं और मोको की जगह हम यहाँ पर एलिट मोको की जगह मोको को लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों की एबिलिटी साथ में वर्क करती है। अब यहाँ पर एक हयाटो का यूज किया गया है, उसके बाद में एक्टिव स्किल कैरेक्टर में होमर का यूज किया गया है और यहाँ पर कपेला का यूज किया गया है। और ये आपको मैच के अंदर किस तरीके से काम आएगा, तो चलिए अपन देखते हैं किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपको काम में आता है। तो सबसे पहले यदि बात करें एक्टिव स्किल कैरेक्टर की, तो यहाँ पर होमर कैरेक्टर का यूज किया गया है। और होमर कैरेक्टर एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर यहाँ पर है फ्री फायर का। यदि बात करें इसकी एबिलिटी की, तो इसकी जैसे ही आप एक्टिव स्किल को ऑन करते हैं तो ये एक ड्रोन जैसा कुछ फेंकता है और सामने वाले एनिमी के ऊपर छोड़ जाता है। और उसकी जो मूवमेंट स्पीड है यहाँ पर 60% तक कम हो जाती है, 50% ऐसा कुछ है। और इसके बाद यहाँ पर जो उसका रेट ऑफ फायर है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसका कूलडाउन टाइम है 90 सेकंड। और ये क्या करता है कि जब भी इसका जो ड्रोन जिस भी एनिमी के ऊपर जाता है उसको 25 का भी डैमेज देता है। तो इस तरीके से इसकी एबिलिटी है। तो एक्टिव स्किल में तो आपको यूज करना है होमर का। अभी चलते हैं पैसिव स्किल कैरेक्टर की तरफ, और पैसिव स्किल कैरेक्टर में आपको कौन कौन से कैरेक्टर का यूज करना है चलिए यहाँ पर देखते हैं। होमर कैरेक्टर के बाद यहाँ पर आपको यूज करना है मोको कैरेक्टर का, और मोको कैरेक्टर बीआर रैंक के अंदर आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी, तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसका यूज इस कॉम्बिनेशन में क्यों किया गया। यहाँ पर मैंने एनिमी को डैमेज दिया, सबसे पहले इसकी एबिलिटी देखो, अब वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है मुझे उसकी सभी लोकेशन पता चल रही है। और वो ऊपर आया और मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट रश कर दिया, क्योंकि मुझे पता था उसकी मैंने काफी ज्यादा एचपी कम कर दिया था और उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट रश कर दिया, क्योंकि मोको कैरेक्टर की मदद से हमें उसकी लोकेशन पता चली थी और एलिट मोको भी हमें एनिमी की लोकेशन बताता है। और दोनों की मदद से 11.5 सेकंड तक या 11 सेकंड तक आपको एनिमी की लोकेशन पता चल जाती है। तो इस तरीके की मोको की एबिलिटी है। और यदि बात करें बीआर रैंक की, आप यदि सोलो खेलते हो स्क्वाड खेलते हो दोनों मोड में आपको मोको कैरेक्टर जरूर से काम आएगा, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी आपके टीममेट के साथ वर्क करती है। और आप देख सकते हो जिन जिन एनिमी को मैं डैमेज देता हूँ उनकी लोकेशन पता चल जाती है, फिर उनको मैं काफी आसानी से मार देता हूँ। तो शायद ये इसी कारण से होगा, यदि हम अटैकिंग गेम प्ले करते हैं तो हमको मोको काफी ज्यादा काम में आता है, इसलिए यहाँ पर मोको का यूज किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर यूज किया गया है कपेला कैरेक्टर का, और इसकी पहले हम एबिलिटी देख लेते हैं किस किस तरीके की एबिलिटी है, फिर ये किस तरीके से यूज में आएगा। तो इसकी मदद से यदि आप मेडिकेट मारते हो तो उसकी पावर बढ़ जाती है, आपको 75 HP मिलती है, लेकिन कपेला के साथ यूज करते हो तो आपको 90 HP मिलती है एक मेडिकेट से। और ये क्या करती है, यदि आप या आपके टीममेट कोई भी नॉक होते हैं तो नॉक होने के बाद उनकी जो ब्लीडिंग है लेट होती है, उनका जो खून है वो काफी लेट बहता है। नॉक होने के बाद आप और आपके टीममेट काफी लेट निपटते हैं। और यदि बात करें जितने भी हीलिंग स्किल वाले कैरेक्टर है उनकी पावर को कपेला कैरेक्टर बढ़ा देती है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कपेला कैरेक्टर की मदद से आपको बहुत ही अच्छी खासी एचपी मैच के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। इस कैरेक्टर की तरफ से आपको एचपी की दिक्कत नहीं होगी, बस आपको मेडिकेट मारना पड़ेगा, इस तरीके का यहाँ पर सीन होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर कपेला कैरेक्टर का यूज किया गया है। और यदि आप भी कपेला कैरेक्टर का यूज करते, इसकी 3-3 एबिलिटी है और तीनों का फायदा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। फिर आप सोलो खेलो स्क्वाड खेलो दोनों मोड में आपको काम आने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पर लास्ट में यूज हुआ था हयाटो कैरेक्टर का। अब देखो हम जब भी अटैकिंग गेम प्ले करते हैं या सेफ गेम प्ले करते हैं दोनों में हमें यहाँ पर हयाटो कैरेक्टर काम आता है, क्योंकि इसकी एक एबिलिटी है यदि आप अटैक करते हो तो वहां पर आपको फायदा पहुंचाता है, और यदि आप डिफेंस करते हो तो वहां पर इसकी एक दूसरी एबिलिटी भी काम में आपको आ जाती है। तो इस तरीके का काम है। हयाटो की बात करें यदि आप अटैक करते हो तो वहां पर आपकी ये जो गन है या इसकी पावर बढ़ा देती है यदि आपकी एचपी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। और यदि बात करें एलिट हयाटो की, तो सामने से आपको जितने भी डैमेज पड़ता है वो हर 10% एचपी के साथ 3% कम होता जाता है। और इसकी फुल डिटेल्स में कल वीडियो आने वाली है, तो उसको देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हयाटो की जो एबिलिटी है मैच के अंदर किस तरीके से वर्क करती है, फुल प्रैक्टिकल आप वहां पर जानोगे। तो गाइस इस कॉम्बिनेशन में यूज किया गया था कपेला कैरेक्टर का, उसके बाद यहां पर यूज किया गया था मोको कैरेक्टर का, हयाटो का, और यहां पर एक्टिव स्किल कैरेक्टर में यूज किया गया था
होमर कैरेक्टर का। यदि आप बीआर रैंक के अंदर इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज कर तो आपको क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले यदि बात करें होमर कैरेक्टर की, तो यदि आपके आसपास कोई भी एनिमी है तो सिंपली आपको होमर कैरेक्टर की एक्टिव स्किल को ऑन करना है और आपके सबसे पास में जो एनिमी रहेगा उसके ऊपर होमर चले जाएगा, उसको 25 का डैमेज दे देगा, उसकी मूवमेंट स्पीड स्लो कर देगा, उसका रेट ऑफ फायर गन का जो है उसको भी स्लो कर देगा और होमर के बाद यहाँ पर मोको काम आएगी, उसको जो भी डैमेज पड़ेगा फिर यहाँ पर मोको से आपको उसकी लोकेशन पता चलने वाली है कि एनिमी कहाँ कहाँ पर जा रहा है और मोको के साथ साथ एलिट मोको भी उसकी लोकेशन आपको बताते रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कपिला कैरेक्टर है, तो कपिला का यहाँ पर क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। यदि आप मेडिकेट मारते हो उसकी पावर को बढ़ा देते हो, कोई ऐसी स्किल का यूज कर दो जो कि आपकी हेल्थ को बढ़ाती है तो वहाँ पर उसकी पावर को भी ये बढ़ा देती है, और यदि आप नॉक होते हो तो नॉक होने के बाद आप बहुत ही लेट निपटने वाले हो जब तक आपका टीममेट भी आपको रिवाइव कर सकता है। फिर इसके बाद लास्ट में हयाटो कैरेक्टर, और हयाटो की मदद से आपको रस गेम प्ले करना है रस गेम प्ले कर सकते हो, और यदि सेफ गेम प्ले करना है तो वहाँ पर भी कर सकते हो, और ये मैच के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। यदि आपकी मैक्स एचपी में से थोड़ी बहुत एचपी भी कम होती है तो वहाँ पर आपकी गन का डैमेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, एनिमी के हेलमेट वेस्ट काम नहीं करने वाले हैं, इस तरीके का सीन होने वाला है। तो काफ़ी मस्त कॉम्बिनेशन है, यदि आप बीआर रैंक के अंदर इसका यूज़ कर दो तो आपको ठीक ठाक फायदा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ठीक ठाक कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है। तो गाइज इस कॉम्बिनेशन का यूज़ आप कर देख सकते हो, जो कि फ्री फायर ने हमें रिकमेंडेड किया है, और यदि आपको भी इससे फायदा देखने के लिए मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर होने वाली है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर लेना।